नहीं तो हर घर तक पानी तो पहुँच रहा है। नहीं हर घर पानी नहीं पहुँच जाता। विकास तो मोदी देश में अंतर देश में बहुत कई है, लेकिन हमारे इलाका में नहीं थे। कहे रहे जब आप आई ले रहे नी महिला रन तो कहे रहे हर हर मोदी घर घर हो तो कहाँ हेराई गया। जब हम लोग के तकलीफे में बा तो का कहीं हमके सब दिस हमें पानी के साधन चाहे विकास चाहे। 5 किलो गला दिए था तो 5 किलो में पेट पड़ता न किया। हाँ बीजेपी को वोट दे रहे हैं, विकास हो रहा है लेकिन विकास उनका समझ में नहीं जा रहा। विकास जो है बाहरी हम लोग को दिख रहा है लेकिन हमारे ग्राम सभा का विकास पता नहीं चल रहा है। लोकसभा चुनाव का 5 चरण बीत चुका है और इस समय मैं मिर्जापुर के 96 विधानसभा क्षेत्र के धोबहा देवघटा में हूँ। यहाँ सबसे ज्यादा इस समय जो एक ग्राम है इसमें बिंद बिरादरी के ज्यादा लोग हैं। आइए जानते हैं इस बार बिंद बिरादरी का इस बार क्या मूड है, किसके साथ इस बार 2024 का रण में चुनाव वोटिंग करेंगे। क्या नाम है? हमारा दयाशंकर नाम है। दयाशंकर जी बताइए, हाँ। क्या रहेगा इस बार चुनाव का मुद्दा, क्या रहेगा? चुनाव का मुद्दा यह रहेगा कि हम लोग मोदी और योगी के हम लोग उनको नाम पर वोटिंग करेंगे। गठबंधन जो सरकार है प्रिया पटेल है कब वोट देंगे, क्यों, क्या कारण है? उसमें कारण यह है कि हमारा मोदी जी जो है बहुत काम कराए। हाँ पर हमारे ग्राम सभा में जो धोबा देवटा में काम नहीं हुआ पे उनको नाम पर वोटिंग हम लोग दे रहे हैं चाहे। तो क्या कुछ ऐसे काम है जो आपके क्षेत्र में बाकी है जो आप हमारे यहाँ क्षेत्र में ये बाकी है कि हमारे यहाँ पानी का समस्या बहुत ज्यादा है कि बाण सागर ददरी बांध में जुड़े हुए हैं और वहाँ बेलन नदी से यदि एक ट्यूबवेल बन जाएगा तो हमारे धोबहा देवटा का विकास हो जाएगा। ठीक है, आइए जानते हैं क्या नाम है आपका। नाम है शिवभजन पाल। तो क्या है, आप युवा हैं, इस बार क्या सोच के वोट देंगे, किस पार्टी जो इसमें 3-4 पार्टी लड़ रही हैं? इस बार पार्टी हमारा बीजेपी को हम लोग वोट दे रहे हैं। 5 साल हो गया, 5 मुद्दे में हो गया कि मतलब हमारे लोग बीजेपी है, बीजेपी को वोट देंगे लेकिन जो विकास हुआ है वो पता नहीं चल रहा है। मेरा यही है कि जो हमारा पानी का साधन नहीं सही से हो पा रहा है। तो ऐसा क्या है बीजेपी को आप दे रहे हैं विकास भी नहीं हो रहा है, क्या है? बीजेपी को वोट दे रहे हैं, विकास हो रहा है लेकिन विकास उनका समझ में नहीं आ रहा है। विकास जो है बाहरी हम लोग को दिख रहा है लेकिन हमारे ग्राम सभा का विकास पता नहीं चल रहा है। जो पानी का अगर हम लोग का विकास हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। पानी चाहिए, हाँ पानी चाहिए। आइए जानते हैं और भी, क्या नाम है आपका? रामानंद जी बताइए, आप इस यहाँ पे प्रत्याशी हैं, अनुप्रिया पटेल जी, रमेश बिंद जी और तिवारी जी हैं, क्या लगता है इस बार किसका माहौल आपको लग रहा है, किस मुद्दे पर आप वोट देंगे? हम लोग तो इसी के साथ विकास का सही मुद्दे पर वोट दे रहे हैं। हाँ लेकिन विकास हो जाए तब ना। तो नहीं हो पा रहा विकास? कहाँ हो पा रहा है, क्या क्यों नहीं हो पा रहा? एक टोटी लगी है, कभी पानी आता कभी नहीं आता और बिजली तो ही लगी हो गया है तो हो ही गया। क्या लगता है सरकार वही रहे बदलाव लगता है आपको? छोटी तो हमको लग रहा है बदलाव हो जाएगा। बदलाव हो जाएगा। ये क्या नाम है? श्री राम। क्या है समस्या इस क्षेत्र में, चूंकि जो यहाँ पूरा इलाका है यहाँ पे कितने काम हुए, कितने काम बाकी? समस्या मैं बता रहा हूँ, जो यहाँ का समस्या है धोबहा देवघटा ग्राम सभा का समस्या यही है कि यहाँ पानी का विकास नहीं है और सड़क उड़क लाइन वाइन तो लगभग ठीक ठाक है लेकिन सबसे ज्यादा समस्या यही है कि यहाँ इस धोबहा देवघटा ग्राम सभा के क्षेत्र के जो है पानी पीने का विकास एकदम नहीं हो रहा है। झीरा पड़ रहा है और मर रहे हैं लोग, खाए बिना गरीब जो है बाहर जा कर ये अपना पेट जिला रहे हैं, बच्चों को जिला रहे हैं। यहाँ पानी का समस्या एकदम नहीं है कतई। तो ये और हम लोग जो है मोदी जी को जो है चुनाव में हम लोगों का संकल्प है कि केवल मोदी जी को हम लोग वोट देंगे और हम लोगों का समस्या समाधान करें। आइए और भी लोग हैं, क्या नाम है? संतोष कुमार। संतोष कुमार जी बताइए, क्या रहेगा इस बार चुनावी मुद्दा, किस क्या सोच क्या वोट देंगे? इस बार रहेगा क्यों रहेगी, उनका सरकार है तो वही बन रही है तो वही रहेगी।
तो हमारा लोगों का काम समस्या है। हमारा लोगों को यहाँ पानी का समस्या है, रोल का समस्या है, नहर का समस्या है। और भी प्रत्याशी आए हैं, तो क्या लगता है कुछ कमियाँ हैं? जो अनुप्रिया पटेल जी है, रमेश बिंद जी है और एक दो प्रत्याशी हैं। सबसे बेहतर प्रत्याशी कौन आपको लगता है? हमको तो कोई नहीं लगता बीजेपी, तो इनका है वही बात है कि जितना बीजेपी के नाम से जिनका टिकट मोदी जी दे रहे हैं वो जीत कर जा रहे हैं, तो यहाँ क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं। क्षेत्र में आ रहे हैं, नहीं आते हैं, कोई समस्या नहीं बोलेंगे क्षेत्र का। हाँ, यही समस्या है। तो क्या चाहते हैं, इस बार सरकार रहेगी, बदलाव होगा? इस बार सरकार रहेगी, जो रोड सड़क बनवाए हैं बीजेपी बनवाए है वो भी सही है, मगर यही है कि पानी का यहाँ समस्या बहुत है, पहाड़ी इलाका है, यहाँ पानी का समस्या हो जाए तो कुछ। क्या नाम है? तो क्या है इस बार, क्या रहेगा? तो आप 2024 का चुनाव है सामने, एक तारीख का क्या क्या सोच के आप वोट देने जाएंगे? हम वोट नहीं देंगे, कोई सुनाई नहीं चाहे कौन प्रत्याशी, कोई कुछ। क्या रहेगा इस बार, क्या चुनाव बदलाव रहेगा? बदलाव रहेगा। आइए, और भी कुछ लोग हैं, जानते हैं क्या है आपके, क्या रहेगा आप? क्या नाम है? राजभर। क्या इस बार क्या सोच के वोट देंगे? अरे भाई, सोच के वोट देंगे मोदी को, होगी के उनके वोट देंगे और हमारा गरीबी समस्या हल करेंगे। हाँ, और जो ना अमी को हमें चंग न कुल खपड़ा बार न घर न दुगार, और हमें चंग के टूबेल वहाँ हो न उधर से धोबा दे घटा में टूबेल के शोधन कहके जनता के उ करें सब ध्यान। तो क्या पानी की समस्या है? हाँ, पानी की समस्या है, पियाऊ के सिंचाऊ के काम हमसे खाए बिना मरत है। क्या सरकार में अभी 10 साल सरकार थी? हाँ, तो नहीं, कोई सुनाई नहीं हुआ है। ऐसा तो हर घर, अरे भाई 10 साल हो, हर घर नल जल योजना की पानी की व्यवस्था है, और यही हमारे के विकास आगे कही दे, हमसे सब खुशी है, जिए खाई लगा, यह पानी पथरा पुर नहीं हो रहा है। क्या नाम है चाचा? हाँ, क्या रहेगा इस बार चुनाव, क्या सोच के वोट देंगे? अरे भाई, सोच गए अब उनके देवई करम देते हैं, हम 5 किलो गल्ला देते हैं। हाँ, तो 5 किलो में कमन पेट भरे हमसे तो एकदम फरसा ही चलावते है। हाँ, कम से कम वो फरसा का माना ये देखे की हाँ, हर वक्त हमसे नरेगा में फरसा चल रहा है, एक दिन बैठा ना आई है न अब न तब है। 25 किलो वो गल्ला दे मोदी उनसे मांगे, बहुत देश से कैसे मांगी, अब के देश आए। अच्छा, आइए, और भी कुछ महिलाएं हैं। बोलो भाई, लोग क्या है, क्या नाम है आपका? इस मोदी सरकार में आपको क्या क्या सुविधाएं मिली? मोदी के कहे रहे आई ले है नी पहला रन, तो कहे रहे हर हर मोदी घर घर होता, कहाँ हेराई गया? जब हम लोग के तकलीफे में बात का कहे, हमके सब दिन से वोट देते हैं। हाँ, सब दिन से वोट देते हैं। इस बार भी वोट देंगे किसको? हाँ, नया वहाँ तक लड़का खुद उन्हीं में है। अच्छा, क्या है आपको? हाँ, हमके मोदी की वोट देना है, देते चला आवत है। हमें पानी के साधन चाहे, विकास चाहे, 5 किलो गला देते हैं तो 5 किलो में पेट भरदा न चले। हाँ, आप लोग महिलाओं ने गैस दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, क्या आप लोग नहीं पहुँच? अरे देहे हैं भाई, केहू केहू की देहे हैं, केहू की नहीं देहे तो खपड़ा ही जाता है। पानी देहे हैं, केहू के आवता, केहू के नहीं आवता। नहीं तो हर घर तक पानी तो पहुँच रहा है? नहीं, हर घर पानी नहीं पहुँचाता। विकास तो मोदी देश में अंतर देश में बहुत कर दे, लेकिन हमारे इलाका में नहीं दे। हाँ, कोई विकास नहीं दे। हमके विकास चाहे, पानी का साधन हमके चाहे। क्या है इस बार आपका चुनाव, क्या सोच के देंगे? किसको किस मोदी दिया था? मोदी दिया है। हाँ, हाँ। तो क्यों दिया आएगा, क्या कारण है इसका? देने का कारण है, और भाई जब कुछ मिला था 5 किलो वही मिलते ही बा, लेकिन एक समस्या हमारी है, होगा एक मौजा पाही है, वहाँ पाइप गया है, लेकिन पानी कोई तो हम लोग बेलन से पानी धो रहे हैं। बेलन से पानी धो रहा होगा, मन नहीं पहुँचा अभी? नहीं। तो क्या अधिकारी यहाँ नहीं आते, क्या पाइप नहीं गड़े? पाइप गवा बल के पानी नहीं देते ही नहीं।
क्या नाम है चाचा? क्या नाम है? क्या आप इस बार क्या सोच के वोट देने जाएंगे 1 तारीख को वोट? क्या सोच के वोट देंगे? सब देता हो गई भूखे भाई भाई हूं कर अब हम अकेले तो है ही नहीं जैसे सब पे का सब तैयारी यहां की जनता नहीं जला है खम्मा करवाई एक आइए जानते हैं क्या मतलब साहब एक बात और बात नौदन में टिकेल होना चाहिए हम लोग पानी अन्न बिना मर रहे हैं नदी में पानी एक बूंद नहीं है राघव जी क्या है रहेगा इसे 2024 का चुनाव 2024 का चुनाव है इधर नहीं है खम्मा हमारा घर बना है खम्मा नहीं है गड़ा हरियाणा है क्या सोच को किसको वोट देंगे? मोदी सरकार योगी सरकार और कौन सरकार है? सब वही सरकार है सब वही सरकार है सब कुछ किए हैं तो समस्या आप लिए क्या दिक्कत है? आप समस्या दीजिए आप लोग आए आप लोग टिबोल में उधर में दीजिए मजा है टिबोल ये थे यहाँ के स्थानीय जनता धोबादेव घटा के जो बता रहे हैं कि यहाँ पे समस्याएं काफी है पानी और जल दोनों का और बिजली की समस्या और यहाँ सबसे दिक्कत यह है कि जो हर घर तक नल योजना है कुछ गांव में टोटी पहुंची है कुछ गांव में नहीं पहुंची है जिससे वो पानी के लिए त्रस्त है और लेकिन वो विकास के नाम पर मोदी और योगी के साथ आज भी खड़े हैं चाहे कुछ काम हो या ना हो लेकिन मोदी और योगी के साथ वो हमेशा खड़े हैं। मिर्जापुर से ब्रिजलाल मौर्या पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।